fine. We have a new. हेलो दोस्तों, मैं तरुण वेदर कोचिंग के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका है, जो कि 22 जुलाई को 2:43 पे दोपहर के समय में लॉन्च हुआ था। तो ये इसके साथ एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारा इंडिया गेन करने वाला है, जो आपने शायद न्यूज़ में पढ़ लिया होगा कि अगर दोस्तों ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है अगर मून के ऊपर हो जाती है तो भारत चौथे स्थान पर आ जाएगा अमेरिका, रूस और चाइना के बाद, जो मून की सतह पर पहुँचेगा। तो ये जो दोस्तों मिशन है ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट गेन करने वाला है। तो आप भी होप करना कि ये जो मिशन है वो कम्प्लीटली हो जाए। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में या स्टोरी में आपसे पूछा था कि आपको इसके पीछे की फिजिक्स को समझना है तो आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई करें। तो काफ़ी वोट्स आए कम्युनिटी टैब में और उसी की तरह स्टोरी में आपने मुझे काफ़ी रिप्लाई दिया, तो मैंने चाहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो ये दोस्तों वीडियो दो पार्ट्स में हो सकती है, तो फर्स्ट वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एनिमेशन वीडियो के थ्रू, जो ISRO ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है कि ये जो चंद्रयान 2 है वो कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस एनिमेशन वीडियो के थ्रू हम समझ लेते हैं जो ISRO ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो GSLV 3 एक पावरफुल रॉकेट है जो लिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है 4,000 से लेकर 5,000 तक के वेट को। अब जैसे ही दोस्तों ये एटमोसफेयर से बाहर निकलेगा, इसके साइड वाले जो दो रॉकेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ऑर्बिट में पहुंचने के साथ ही इसके बाकी के पार्ट्स रिमूव हो जाएंगे और जो सेंटर वाला रॉकेट है वो भी रिमूव हो जाएगा और एक अनदर सेंटर वाला रॉकेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑर्बिट में सैटेलाइट को इजेक्ट कर देगा और सैटेलाइट के जो पैनल है आपने देखा वीडियो में एक्टिवेट हो गए और ये रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। तो यहाँ ये काफ़ी चक्कर लगाएगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है अभी वो अर्थ के अराउंड इतने चक्कर क्यों लगा रहा है या मून के अराउंड इतने चक्कर क्यों लगा रहा है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो 5 चक्कर लगाने के बाद दोस्तों ये मून तक पहुँचेगा, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे ही आएगा तो मून की ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर लेगी और ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अर्थ में इसने चक्कर लगाए थे उसी तरह ये ऑर्बिट मून के ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ के 5 चक्कर कंप्लीट होंगे तो दोस्तों ये जो ऑर्बिटर है ये लैंडर को इजेक्ट कर देगा और ये जो लैंडर है ये होपफुली अब मून की सरफेस को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों ये मून के सरफेस को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया इसने। स्कैन करने के बाद दोस्तों ये जहाँ पे इसको पानी के एविडेंसेस मिलेंगे साउथ पोलर रीजन पे, वहाँ पे इसकी लैंडिंग होगी। तो एनिमेशन वीडियो में देख सकते हो आप दोस्तों इसकी होपफुली सॉफ्ट लैंडिंग होगी मून के साउथ पोलर रीजन पे। लैंडिंग होने के बाद दोस्तों इसमें से निकलेगा प्रज्ञान, जो हमारा क्या है रोवर, जो कि 500 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा मून के सरफेस से जो कि लैंडर को देगा और लैंडर ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर ISRO को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे दोस्तों जो लैंडर है वो डायरेक्टली भी ISRO को इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा दोस्तों। फ्रेंड्स आपने सिंपली समझ लिया होगा अभी जो चंद्रयान 2 है वो कैसे वर्क करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि जो ये सैटेलाइट है इसको चंद्रमा के ऊपर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो इसका कारण समझने के लिए दोस्तों आपको चंद्रयान 1 को समझना जरूरी है। अगर दोस्तों आपने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है थोड़ा सा तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो चंद्रयान 1 है ये GSLV-XL रॉकेट के थ्रू अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था और 14 नवंबर को ये इम्पैक्ट हुआ था मून के सरफेस के ऊपर और ये सीधा जाके स्ट्रक हुआ था मून के साउथ पोलर रीजन के ऊपर और जहां सब सोइल कलेक्ट की थी उस सब सोइल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी और सैटेलाइट के थ्रू ISRO को भेजी थी, जहां से ये इंफॉर्मेशन निकल के आई थी कि यहां जो वाटर प्रेजेंट है वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है और 1.3 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ आइस यहाँ प्रेजेंट होने की संभावना है। तो इसी कारण दोस्तों चंद्रयान 2 को मून के ऊपर साउथ पोलर रीजन के ऊपर भेजा जा रहा है ताकि मून को और अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सके भी वहाँ जो वाटर प्रेजेंट है वो एक्चुअली में है या नहीं है। तो ये कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए चंद्रयान 2 को वापस से साउथ पोलर रीजन के ऊपर भेजा जा रहा है। एक और कारण है दोस्तों, जो आप ये देखो साउथ पोलर रीजन पे खड्डे देख रहे हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने के कारण जहाँ जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है,
इसी कारण माना जा रहा है कि एविडेंसेस आए हैं कि जो इसके सरफेस के अंदर आइस की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट हो सकता है। तो इसी कारण दोस्तों चंद्रयान 2 को भेजा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है वाटर के एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे वर्क करेंगे, चलिए समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ मेन पार्ट्स की। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑर्बिटर, दूसरा है लैंडर और थर्ड है रोवर। दोस्तों ये जो तीन मेन पार्ट्स हैं यही मून के ऑर्बिट और सरफेस तक पहुंचेंगे। एक एक करके दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है ऑर्बिटर, तो ऑर्बिटर का जो मास है दोस्तों वो है 2379 kg और उसकी जो पावर है दोस्तों वो है 1 kW। जो इसका मेन काम है दोस्तों वो लैंडर और रोवर को होपफुली लैंड करवाना है मून के साउथ पोलर रीजन के ऊपर। तो कैसे ये दोस्तों काम करेगा, ये अर्थ से निकलेगा और मून तक पहुंचेगा और मून से ये ऑर्बिटर लैंडर को इजेक्ट करेगा और लैंडर मून के सरफेस के ऊपर लैंड करेगा। तो मेन जो ऑर्बिटर का काम है वो बस या ट्रेन की तरह है, भी एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। तो इस तरह से ऑर्बिटर काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जो 3D इमेजेस लेगा मून के सरफेस की, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकेगी लैंडर की मून के सरफेस के ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों इसमें सोलर एक्सरे मॉनिटर लगा हुआ है जो सोलर रेज की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेगा। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि जो मून है वो कितनी लाइट ऑब्जर्व करता है और इसके स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट मिनरल्स को देखा जाएगा भी वो एग्जिस्ट करते हैं भी हैं या नहीं करते। तो ये ऑर्बिटर का काम है। अब देखो जो ऑर्बिटर है वो लैंडर को इजेक्ट करेगा। दोस्तों हमारा सेकंड जो पार्ट आ जाता है वो है लैंडर। लैंडर को दोस्तों नाम दिया गया है विक्रम। अगर दोस्तों आपको पता है भी जो फादर हैं इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के वो है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, इसी कारण दोस्तों इसको नाम दिया गया है विक्रम। दोस्तों जो इसका मास है वो है 1471 kg और जो इसकी पावर है वो है 650 W। तो अब देखो दोस्तों ये वर्क कैसे करेगा। देखो दोस्तों ये ऑर्बिटर से निकलेगा, ऑर्बिटर इसको इजेक्ट करेगा लैंडर को और ये मून के ऊपर लैंड करेगा। आफ्टर द स्कैनिंग, स्कैन करने के बाद ये मून के सरफेस के ऊपर लैंड करेगा और लैंड होने के बाद दोस्तों इसमें से निकलेगा प्रज्ञान, जो हमारा थर्ड पार्ट है, मेन पार्ट है इसका, जो कि मून के सरफेस को स्कैन करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो जो ये थर्ड पार्ट है इसको नाम दिया गया है रोवर, और प्रज्ञान इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि प्रज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु का ज्ञान करना। तो ये मून के सरफेस का ज्ञान कलेक्ट करेगा और लैंडर को देगा और लैंडर ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर ISRO को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे दोस्तों ये जो लैंडर है वो डायरेक्टली भी ISRO को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर दोस्तों ये लैंडर सीधा डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसको, ISRO को, तो ऑर्बिटर की जरूरत क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि ऑर्बिटर तो इजेक्ट कर देगा लैंडर को। अब जब लैंडर लैंड करेगा मून के सरफेस के ऊपर तब कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, दोनों जब स्ट्रक करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो ख़राब हो गया तो जो ये सारा मिशन है वो ख़राब हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी। इसीलिए ऑर्बिटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकेगी अगर ये जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इसी कारण ऑर्बिटर भी ISRO को इन्फॉर्मेशन दे सकता है और लैंडर भी सीधा ISRO को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इसी कारण दोनों को इसी तरह से बनाया गया है कि दोनों इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब दोस्तों हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है भी इतना जो हम मास कैलकुलेट करें भी तीनों चीज़ों का, ऑर्बिटर का, लैंडर का, रोवर का, तीनों का प्लस करके देखें मास का, तो बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा। अब देखो इतने मास को अर्थ के एटमोसफियर से बाहर लेके जाना और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना और अर्थ से मून तक लेके जाना कितना मुश्किल होगा। तो उसके लिए जो GSL Mark 3 है वो सबसे बेस्ट रॉकेट है जो कि 4000 से लेके 5000 kg तक का वेट उठा सकता है। इसलिए दोस्तों इसको रियल बाहुबली ऑफ इंडिया बोला गया है। तो अभी तक दोस्तों आपने समझ लिया होगा चंद्रयान 2 क्या है, ये कैसे वर्क करेगा और कैसे मून तक पहुंचेगा और क्या क्या इसके मेन पार्ट्स हैं, उसका मास क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इसके कुछ पार्ट्स और साथ ही में फिजिक्स को समझेंगे, कौन से फिजिक्स के कंसेप्ट हेल्प करेंगे
तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दें ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर कर दूं, और जितने भी फिजिक्स के कंसेप्ट होंगे, बेसिक्स कंसेप्ट, वो अगली वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय गाइज़।